हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तो किस तरीके से आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। इवन तो ये भी बताया था कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो कैसे टैक्स बेनिफिट आपको मिलेंगे। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो आप कैसे टैक्स बेनिफिट लोगे, या कहें कि अगर आपको एचआरए मिल रहा है बट वो सफिशियंट नहीं है तो कैसे आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मिलेगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी होगी, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार आए हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, वहां पे आपको चैनल की सारी प्लेलिस्ट के लिंक आपको मिल जाएंगे, जिनको आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां पे आपको फ्री की फाइनेंशियल एडवाइस मिल सकती है। और उसी के साथ मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहां पे छोटी छोटी अपडेट्स मैं अपडेट करता रहता हूं कि वीडियो कब आएगी, क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स, और उसके साथ ही डेली मोटिवेशन जो कोट्स होते हैं वो हम वहां पे शेयर करते हैं। अगर आप पर्सनली हमसे बात करना चाहते हो, कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। मेरा नाम है अमिताभ शर्मा, मैं बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस अपने प्यारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में एचआरए का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि प्रीवियस वीडियो आप लोग देख चुके हैं जिसका थंबनेल आपकी स्क्रीन पे, जाके इसको देख लेना। और हम जिस सेक्शन की आज बात कर रहे हैं वो सेक्शन है सेक्शन 10 अंडर ब्रैकेट 13A, या हम इसको बोल सकते हैं सेक्शन 10 13A। इस सेक्शन के अंदर टैक्स बेनिफिट लेने के लिए कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात, जहां पे भी आप रेंट पे रह रहे हैं उसके लिए आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट क्या होते हैं कि वही रेंट एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जो आप रेंट का अमाउंट पे कर रहे हैं वो आप कैश में ना करें, लीगली करें। लीगली आप लोग जानते ही होंगे, मैं पूरी सीरीज में बताता आ रहा हूं। अब इसके साथ ही आपको एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखनी होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता के घर में रहते हैं बट रेंट पे करते हैं। कुछ लड़कों के साथ स्पेशली ऐसा होता है, तो इसमें हम एचआरए का बेनिफिट ले सकते हैं। वो कैसे, आपके पास रेंट एग्रीमेंट इस केस में भी होना चाहिए और जो रेंट आप पे कर रहे हो उसके पूरे लीगल एविडेंस आपके पास में होने चाहिए। मतलब लीगल जितने भी एविडेंस आपके पास है वो आपको सबमिट करने ही होंगे, तभी आपको टैक्स डिडक्शन यहाँ पे मिल पाएगी। अब ये मिलेगी किस तरीके से, इसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपकी सैलरी का 50%, दूसरा ऑप्शन है आपकी सैलरी का 40%। 50% कब, जब आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, 40% कब, जब आप मेट्रो सिटीज में नहीं हो। उसी के साथ थर्ड नंबर पे जो ऑप्शंस अवेलेबल है कि जो रेंट आप पे कर रहे हो उसमें से आप माइनस कर दोगे अपनी सैलरी का 10%, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो इस टाइम। और जो फोर्थ ऑप्शन अवेलेबल है वो है कि जितना एचआरए आपको मिला है उतना, अब इनमें से जो कम होगा वही आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि इन सबकी कैलकुलेशन की जाएगी और देखा जाएगा कि इनमें से कम कौन सा है। इनमें से जो कम होगा वही टैक्स डिडक्शन आपको मिलने वाले है, ये आईटीआर 1 के अंदर शो किया जाता है। अब आइए एग्जांपल के तौर पे हम इस बारे में जान लेते हैं कैलकुलेशन करके कि कैसे टैक्स बेनिफिट हम देख सकते हैं। हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि ये नाम का व्यक्ति है जो दिल्ली में रह रहा है, जिसकी बेसिक मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज विद डीए, तो सालाना वो बैठगी 2.4 लाख रुपीज, और जो उसको एचआरए मिल रहा है 5,000 पर मंथ के हिसाब से ईयरली 60,000 रुपीज का मिल रहा है, और इसी रेशो में वो रेंट पे कर रहा है, मतलब की 5,000 रुपीज पर मंथ और ईयरली 60,000 रुपीज का। अब कैलकुलेशन करते हैं, याद कीजिए मैंने आपको बताया था विच एवर इज लेस। अब ये लेस का मतलब है कि जो एचआरए मिल रहा है उसमें से जो कैलकुलेशन जो आएगी वो माइनस कर दी जाएगी टैक्सेबल एचआरए जानने के लिए, और एचआरए पे कितनी इनकम टैक्स की डिडक्शन मिल रही है वो जानने के लिए। चलिए कैलकुलेशन, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर ही, कि हमने यहाँ पे लिख लिया एचआरए 60,000 रुपीज, सैलरी का 50% हमने लिखा 1.2 लाख रुपीज, अदर ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है 10% माइनस रेंट। रेंट में से हम माइनस कर देंगे सैलरी का 10%, तो रेंट है 60,000 रुपीज, माइनस करेंगे 24,000 को जो कि है सैलरी का 10%, तो आपका बचा यहाँ पे 36,000। अब ये 36,000 जो बचा यही है आपका इनकम टैक्स का रिबेट भी बोल सकते हो आप इसे, या हम इसे टेक्निकली बोलते हैं एचआरए अजम्पशन, ठीक है। अब इसको आप माइनस कर दोगे एचआरए में से, तो रेस्ट जो बचेगा 24,000 वो आपका टैक्सेबल एचआरए होगा। तो अगर आपको यहाँ पे देखने वाली बात यह हुई कि अगर 60,000 रुपीज का एचआरए मिल रहा था और उसके जितने आप रेंट पे कर रहे थे, तो 36,000 रुपीज की आपको टैक्स में छूट मिल रही थी और 24,000 रुपीज आपका टैक्सेबल जा रहा। जैसा कि आपने कैलकुलेशन में देखा कि जो अमाउंट कम बैठा उस पर टैक्स डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो आईटीआर 1 के अंदर इस सेक्शन के अंदर टैक्स रिबेट के लिए अप्लाई करते हैं। अब एक चीज मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, अगर आप 80GG के अंदर टैक्स रिबेट ले रहे हैं
तो आप सेक्शन 10, 13 ए के अंदर टैक्स रिबेट आप नहीं ले सकते। अगर आप इस सेक्शन के अंदर ले रहे हैं तो उस सेक्शन में आपको नहीं मिल सकती। बहुत से लोग ये गलतियां कर देते हैं कि दोनों जगह शो कर देते हैं, बट आप ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिएगा क्योंकि लीगली करेक्ट नहीं है। मेरे माइंड में हमेशा एक जनरल सा थॉट रहता है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, गवर्नमेंट ने हमें लीगली हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं कि हम टैक्स सेविंग कर सके, तो हमें ये ऑप्शन यूज करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ये ऑप्शन यूज करते हैं और आईटीआर फाइल करते हैं तो हम क्या होता है मुख्य धारा के अंदर आ जाते हैं फाइनेंशियली। उससे क्या होता है कि बैंक से जितने भी बेनिफिट हम ले सकते हैं मैक्सिमम, वो हम जब ही ले सकते हैं जब हम आईटीआर फाइल करते हो और मुख्य धारा में हो। अगर हमारी इनकम हो राइट और हम आईटीआर फाइल नहीं कर रहे हैं तो जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं या किसी अदर फाइनेंशियल स्कीम का बेनिफिट लेने जाते हैं बैंक से तो हमें नहीं मिल पाता, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आईटीआर फाइल कर रहे हो तो आपको 100% टैक्स भरना ही भरना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काफी सारे सेक्शंस ऑलरेडी अवेलेबल है, उनके अंदर आप टैक्स सेविंग कर सकते हो और उसी के लिए पूरी सीरीज चल रही है। अगर आप इसको शुरू से एंड तक देखोगे अब तक देखोगे तो आई थिंक आप कम से कम नहीं तो 3 से 4 लाख रुपए की टैक्स सेविंग आप कर चुके हो अगर आप इस पूरी सीरीज को देखते हो तो। लेकिन आने वाला जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो आपको जब भी पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन पे क्लिक कर लोगे, तभी आपको ये पता चल पाएगा। तो चलता हूं, विदा लेता हूं आपसे, मिलूंगा एक अगली वीडियो में और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, अगर नहीं पसंद आया तो भी बताना जरूर, और लाइक जरूर कर देना भूलना, और वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, जिससे लोगों को पता चल सके कि वो किस तरीके से HRA का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए जय हिंद जय भारत।